सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों की ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग की और उनका हालचाल जाना। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई। ठीक 6 महीने बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों की ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग की और उनका मिजाज जाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक खास किस्म से अपने साथी मंत्रियों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और फिर मंत्रियों को सुना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी लंबी मंत्रणा हुई। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बैठक में मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हम तेजी से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारा विभाग हेल्थ वर्कर की प्रभावी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना के दूसरे स्टेज को कंट्रोल करने और मध्य प्रदेश मॉडल के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। मंत्री तुलसी सिलावट ने ऑक्सीजन प्लांट, बेड, मेडिसिन, डॉक्टर बढ़ाने और कोविड अनुकूल व्यवहार करने का सुझाव दिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा योजनाओं का नीचे तक क्रियान्वयन और उनकी समीक्षा हो, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको योजनाओं का लाभ मिले। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किल कोरोना अभियान सार्थक रहा, हमें इसे सतत जारी रखना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे लोगों की मदद लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन में भी हम उनका उपयोग कर सकते हैं। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों। मंत्री मीना सिंह ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए कई बार दूर जाना पड़ता है, वैक्सीन के लिए गाँव में ही व्यवस्था की जाए जिससे सभी ग्रामीणों को समय पर टीका लग सके। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमें गांव की जनता के मन में वैक्सीनेशन का डर हटाना है जिससे लोग आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा हमारे जो डॉक्टर मैदानी क्षेत्र में तैनात हैं उन्हें ट्रेनिंग देना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख दवाइयों और अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए जागरूक करना चाहिए। हम लोगों ने हर महीने समीक्षा की थी तो जो एस्टीमेट हमने रिवाइज लगाया था उससे 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा इकट्ठे कर लिए और हमने काम कोई रुकने नहीं दिया। तो एक उस पर हमको विचार करना है, अपने अपने आइडियाज होंगे कि कैसे इंतजाम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, रेगुलर मॉनिटरिंग और दूसरी। फिर तीसरी चीज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना रोड मैप तैयार है, वो अपना रोड मैप है जिस पर हमको काम करना है। आपके विभाग का सबका अलग अलग बना हुआ है, उस रोड मैप पे चलते हुए हम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे धन की व्यवस्था करते हुए। तो वो विभागीय समीक्षाएं और जो दिक्कतें उनको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दो और महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य के बारे में मैंने चर्चा कर दी, एक है शिक्षा, उसमें हमें जरूर सोचना चाहिए। मुझे इस समय लगता है बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेजेज भी खुले नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। शिक्षा समूह हमारा हमारे मंत्री साथियों का बना हुआ है, वो जरूर अपनी बात करेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या शिक्षा देने का क्रम जारी रह सकता है। उसके साथ साथ गरीब किसान, माताएं बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। उन पर किसानों पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, अनेकों चीजें हमने की है और क्या सोचा जा सकता है, गरीबों के लिए क्या सोचा जा सकता है, माताओं बहनों के लिए बच्चों के लिए क्या सोचा जा सकता है। अगर कुछ आइडियाज आते हैं तो उनके बारे में हम लोगों को चिंतन और विचार करके हम आगे कैसे कर सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन का अभियान, ये बहुत महत्वपूर्ण है थर्ड लहर को भी, थर्ड वेव को भी रोकने के लिए। तो वैक्सीनेशन को जन अभियान कैसे बनाएं, साधारण तरीके से नहीं, जुलाई से पर्याप्त डोजेज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे हमको। और मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, मंत्रिपरिषद की तरफ से, आप सबकी तरफ से, कि उन्होंने अब ये काम अपने हाथ में ले लिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।